हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज का जो सेशन है इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और जो वीडियो आज चल रही है, देखिए इस वीडियो को आप बार बार पॉज करके देखिए, इसे ध्यान से समझिए जितनी बातें मैं समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये वीडियो आपके सिलेक्शन के लिए एक संजीवनी का काम करेगा। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जो दिक्कत आपके सामने आ रही है उन सबको कम कैसे किया जाए, तो उसका सॉल्यूशन ये आपके सामने है जो आपको डेली लाइफ में यूज़ करना है। देखिए, पहले भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ जिसका नाम था एमजी कॉन्सेप्ट। एमजी कॉन्सेप्ट पे आपने वीडियोस देखी और आपने देखा काफ़ी सारी चीज़ें कैलकुलेशन की उससे मिनिमाइज हो सकती है। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। नया कॉन्सेप्ट यानी कॉन्सेप्ट बहुत पुराना ही है और एंशियंट ही है एक तरीके से, ठीक है। पर मैंने इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। मेरे 5 सिलेक्शन का राज इस कॉन्सेप्ट के अंदर छुपा है, यानी डीएस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। डीएस यानी एक मैजिकल कॉन्सेप्ट। मैजिकल कॉन्सेप्ट मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि काफ़ी सारी दिक्कत जो हमें आती है एग्ज़ाम के अंदर, तो बच्चों को ये दिक्कत आती है कि आप देखते हैं कि भाई मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, बनाते वक्त सोल्यूशन लिखता हूँ, पूरा एक एक स्टेप लिखा, लास्ट में आके जो घेर लिया मेरे को वो कैलकुलेशन ने घेर लिया। अब कैलकुलेशन को मैं छोटा कैसे करूं? तो उस कैलकुलेशन को मिनिमाइज करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है। देखिए, कई चीज़ें एग्जाम में ऐसी आती हैं जिसके अंदर आपको केवल यही देखना होता है कि भाई ए बी सी डी में ये वाला ऑप्शन सीधा आंसर है, पर वो चीज़ आप कब देख पाएंगे? वो जब ही देख पाएंगे जब आपको वो कोई पहले से दिखाएगा। देखिए, पहले से अगर आपने चीज़ें उस तरीके से देखी हुई है तो पेपर में वो चीज़ आसान लगेगी। जो मेन सिलेक्शन है आपका वो इसी चीज़ का है, यानी एप्टीट्यूड का ही सिलेक्शन है। अगर आप मैथ बनाते रहेंगे तो सिलेक्शन में मुश्किल आएगा, साल भर साल लगता रहेगा। तो देखिए, स्टार्ट करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस वीडियो को बार बार पॉज करके देखिएगा। पॉज करके देखने के बाद आप इसमें लिख भी सकते हैं अपने नोटबुक में कि ये कॉन्सेप्ट क्या समझाया गया। एक बार समझने वाली चीज़ है, एक बार अगर समझ आ गई दोबारा से आपको नोटबुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा आप आंसर मार्क कर दिया करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, यानी डीएस यानी द मैजिकल कॉन्सेप्ट। देखिए, डीएस का मैं मीनिंग बता देता हूँ। सबसे पहले डीएस को हम डिजिटल सम बोलते हैं या फिर सम ऑफ डिजिट भी बोल देते हैं। देखिए, आज के सेशन में बेसिकली मैं केवल यही चीज डिस्कस करूंगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, और यही चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले आपको पता तो लगे, एक नई चीज मैं जानने जा रहा हूं तो मुझे पहले पता होना चाहिए कि वो चीज है क्या। आपको मैं सब चीज़ों का जवाब दूंगा कि ये चीज़ है क्या, इसे हमने क्यों पढ़ा, इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, और ये सिलेक्शन के लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये सभी चीज़ों का जवाब आपको वीडियोस में मिलेगा। तो आपको बस ध्यान से समझना है एक एक चीज़ को। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है डिजिटल सम और यहाँ लिखा है सम ऑफ डिजिट्स। देखिए, मुझे लगता है कि आप में से कुछ बच्चों ने इसे सुन भी रखा होगा और कुछ बच्चों ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत किया भी होगा। तो मैं ये नहीं कहता कि ये मेरा ही कॉन्सेप्ट है, पर हाँ ये जरूर कहूँगा इस कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत डेप्थ तक पढ़ा है और इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके मैंने अपने 5 सिलेक्शन लिए हैं। 5 सिलेक्शन के अंदर इस कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा रोल है, यानी डीएस का। तो डीएस के अंदर मैंने बहुत डेप्थ स्टडी किया और मैं किसी भी चैप्टर में डीएस लगा सकता हूँ, चाहे वो एप्टीट्यूड का कोई सा भी चैप्टर हो। तो उन सभी चैप्टर्स में हम इसे लगा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, या तो आप इसे डिजिटल सम बोलते हैं या सम ऑफ डिजिट बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में इसे डीएस बोला जाता है। सम ऑफ डिजिट्स का मतलब है अंकों का योग। यानी अंकों का योग आपको निकालना है। अब अंकों का योग क्या हो गया? देखिए, कोई भी नंबर है, अगर आप ध्यान से एक बात समझिए, कोई भी अगर नंबर है, एक दो पाँच, एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने। देखिए, सारी चीज़ें मैं आपको एग्जाम्पल ले लेके समझाऊंगा, कोई प्रॉपर्टी आपको डायरेक्ट याद नहीं करनी है, केवल ये मैथमेटिक्स की दुनिया क्या है,
किस तरीके से नंबर घूम रहे हैं, इसी चीज को समझना है आपको बस। और इसी चीज को समझ के जो सॉल्यूशन है हमारा यानी सिलेक्शन का, वो बहुत आराम से निकल जाएगा। देखिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि आपको ये चीज इम्पोर्टेंट लगे, वो इसलिए क्योंकि जब आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, इसे इस्तेमाल करेंगे डेली लाइफ में, तो आपको ये लगेगा कि बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ हम डीएस का इस्तेमाल करके मैंने कैलकुलेशन जीरो ही कर दी। डीएस का मतलब हो गया अंकों का योग, अंकों का योग मतलब हो गया 125, कोई संख्या मैंने ले ली, इसके अंकों का योग यानी 5, 2, 7 और 1, 8, 1, 3, 4 या 34 ही ले लेता हूं मैं, इसके अंकों का योग हो गया 3+4 यानी 7, 54, इसके अंकों का योग हो गया 9। यानी अंकों का योग का मतलब है, डिजिटल सम का मतलब है एक ऐसा अंक जो संख्या के सभी अंकों को जोड़कर आएगा। सम ऑफ डिजिट या डिजिटल सम मतलब एक ऐसी संख्या जो किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़कर मिले, ये इसकी पहली डेफिनेशन होती है। यानी कोई भी आप एक नंबर ले लें, सबसे पहले आपको यही तो जानना है कि डीएस होता क्या है, फिर उसके बाद आपको ये जानना पड़ेगा कि डीएस निकाला कैसे जाता है, फिर उसके बाद आप ये देखेंगे कि डीएस किस किस जगह लगाया जाता है, तो उससे आपको ये पता लगेगा कि आपके लिए महत्वपूर्ण कैसे है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि डीएस का मतलब कोई भी नंबर आपको दे रखा है, यानी कोई भी संख्या है आपके पास, उसके सभी अंकों को जोड़ने के बाद जो एक संख्या आपको मिलेगी उसको हम डीएस का नाम देंगे। ये डीएस हो गया। डीएस का एक एग्जांपल और होता है। डीएस का एक एग्जांपल और क्या है, देखिए दूसरी बात जो डीएस हम बोलते हैं किसी संख्या को नौ से भाग करने पर जो शेषफल बचता है, किसी संख्या को नौ से भाग करने पर जो शेषफल बचता है उसे आप डीएस कहते हैं। एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे कि दो नंबर है मेरे पास, एक मैंने नंबर ले लिया 32, अगर आप इसका डीएस निकालते हैं 3+2, 5 आ जाएगा, और इसी संख्या को अगर आप 9 से भाग करते हैं तो जो शेषफल बचेगा वो भी 5 है। तो 9 से भाग करने पर शेषफल पूछा हो या अंकों का योग पूछा हो, बात एक ही रहेगी। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 47 का मतलब हो गया 4 और 7 11 11 का मतलब हो गया 2 1 और 1 2, और इसी को अगर मैं 9 से भाग करता हूं तो 2 शेषफल बचेगा, तो यानी ये इसका डीएस हो गया। तो यानी आपने यहाँ पर अभी तक दो चीज़ें सीखे, पहली चीज कि डीएस होता क्या है, डीएस क्या होता है, किसी के अंकों का योग किसी भी संख्या के, वो निकाला कैसे जाता है उन सभी अंकों को जोड़ने के बाद जो एक संख्या मिलती है उसे डीएस कहा जाता है, या फिर हम ये भी बोल देते हैं कि भाई 9 से भाग करने पर जो शेषफल बचेगा वो भी डीएस ही होता है। तो दोनों डेफिनेशन है इसकी, दोनों में से आप किसी से भी ध्यान रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इससे, अब बच्चे आप ये सीख गए कि भाई ये चीज़ कैसे कैसे होती है। अब हम ये देखेंगे, देखिए इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, कोई आपको याद नहीं करनी। आप ये समझिए कि मैथमेटिकल दुनिया में आप एक वीडियो देख रहे हैं और आपको केवल समझना है, कुछ नहीं लिखना, कुछ ज़्यादा चीज़ें ध्यान नहीं रखनी। और ये पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ लिखना पड़ता है तो इसका मतलब है कुछ कमी रह गई, आप समझ नहीं पाए, और अगर लिखना नहीं पड़ता है तो इसका मतलब ये हो गया कि आप वो सारी चीज़ें समझ गए और आप किसी को भी समझा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब जैसे कि आपने देखा कि डीएस क्या है, एक अंक है, एक अंक, तो डीएस जो हो सकता है किसी भी संख्या का वो एक अंक क्या हो सकता है, एक से लेके
नौ तक कुछ भी हो सकता है, यानी डीएस एक से लेके नौ तक कुछ भी हो सकता है, कभी कभार जीरो भी हो जाता है। जीरो या नौ बात एक ही है, हम इसे एक ही बात बोलते हैं। तो आपने देखा कि अंकों का योग निकालना है और एक अंक बनाना है, और एक अंक कितने होते हैं, जीरो से लेके नौ तक दस होते हैं। तो यानी ये सारे पॉसिबल हैं कि ये सभी किसी ना किसी नंबर के अंकों के योग होंगे। यानी एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, अगर जैसे कि आपने देखा 100, इसके अंकों का योग क्या हो गया, एक हो गया। आपने देखा 110, दो हो गया। आपने देखा 201, तीन हो गया। आपने देखा 111, इसके अंकों का योग चार हो गया। आपने देखा 2012, इसके अंकों का योग पाँच हो गया। आपने देखा इसके अंकों का योग छः हो गया। आपने ये देखा इसके अंकों का योग सात हो गया। आपने देखा इसके अंकों का योग आठ हो गया। आपने देखा इसके अंकों का योग नौ हो गया। तो यानी ऐसे ऐसे नंबर बनेंगे और ऐसे ऐसे अंकों का योग जनरेट होता रहेगा, ठीक है। तो अब हम ये पता लग गया हमें कि डीएस क्या होता है, सबसे पहली चीज। दूसरी, जो डीएस है वो एक से लेकर नौ तक कुछ भी हो सकता है, जीरो केवल सब्ट्रैक्शन के केस में होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज पे धीरे धीरे। प्रॉपर्टीज कैसे लिखेंगे, देखिए अगर मैं बोल देता हूं एक दो तीन चार पांच, ये आ गया। अब देखिए इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। दो प्रॉपर्टी मैं आपको यहां पर करवाऊंगा, एक हो गई एडिशन ऑफ नाइन, दूसरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ नाइन। अगर मैं इन सब में नौ जोड़ता हूं, देखिए सभी चीजों को ना प्रैक्टिकली समझिए, केवल लैंग्वेज ही नहीं लिखनी है, चीजों को समझना है। और चीजें समझने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट बहुत बेहतरीन होगा। देखिए अगर क्रीम आपको बनानी है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मार्केट से दूध लेके आना पड़ेगा, और दूध लेके आएंगे उसके बाद उसे गर्म करना पड़ेगा, गर्म करने के बाद फिर आपको आगे का प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर मक्खन निकाल के क्रीम बनानी पड़ेगी। तो अभी केवल हमने क्या करा है, अभी मार्केट से दूध खरीदा है और वो गैस पर लगा दिया है, तो केवल इतना ही काम हुआ है अभी, ठीक है। तो आपको ये पता लगना चाहिए क्रीम के लिए सबसे पहले दूध भी लाना होता है, तो यानी वो डीएस आपको पता लग गया, डीएस क्या होता है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी धीरे धीरे करेंगे। अगर आप देखते हैं, देखिए अगर मैं 9 में एक जोड़ता हूँ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो मैं देखता हूँ इसके अंकों का योग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आ गया। यानी ये क्या आ गया, ये तो वही चीज आ गई जो यहां लिखी है। इसका मतलब जोड़ते वक्त नौ को जीरो मानना है, क्योंकि नाइन जोड़े या जीरो जोड़े आंसर आपका सेम ही आएगा। वो आपने यहां पर देख लिया कि इसके अंदर अगर मैंने नौ जोड़ा, इसके अंदर नौ जोड़ा, इसके अंदर नौ जोड़ा, तो डीएस जो है वो चेंज नहीं हुआ, वो उतना ही रहा जो यहां पर था। तो यानी 9 के जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ऐड करते वक्त ये ध्यान रखना है कि 9 को 0 ही मानना है, ऐड करते वक्त 9 को 0 मानना है। आगे आते हैं इधर, अब दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो ये है।
अब मैंने 9 को गुणा किया किसी संख्या से, अब देखिए आप 9 को किसी भी संख्या से गुणा करें, उसके अंकों का योग 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है, वो मैंने लिख दिया 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है, ये डीएस है, ये संख्या नहीं है, डीएस है, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको इन चीजों में फर्क पड़ना पड़ेगा कि संख्या अलग होती है और डीएस अलग होता है। संख्या यानी नंबर, डीएस यानी उस नंबर के अंकों का योग, उस नंबर के अंकों का योग ये लिखा है। आप देखते हैं यहां पर आपको क्या पता लग गया कि 9 का मल्टीपल कोई भी होगा उसका डीएस 9 होगा, यानी 9 को किसी भी चीज से गुणा करिए, फाइनली अंकों का योग जो आएगा वो 9 ही आएगा। मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेता हूं, 9 को गुणा करना है 15 से, 135 हो गया, ये 9 आ गया। 9 को गुणा करना है 0.1467890235 और आंसर निकालना है। अब जो भी आंसर आएगा उसके अंकों का योग 9 होगा, यानी डीएस जो है 9 आएगा, क्योंकि देखिए ये 9 है अंकों का योग, ये नंबर है और 9 का मल्टीपल है। देखिए अगर ये नंबर है, अगर नंबर है कोई, तो उसके अंकों का योग क्या हो सकता है, 1 से 9, पर हमने ये पढ़ा है कि 9 को अगर किसी से भी गुणा कर दें 1 से 9, अंकों का योग 9 ही रहेगा। तो ये भी मैंने एज ए प्रॉपर्टी आपको डायरेक्ट ऐसे बताइए, एग्जाम्पल लेके, इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है। यानी दो चीजें आपने यहां पर देख ली, पहली चीज आपने ये देखी कि डीएस क्या होता है, फिर आपने देखा निकलेगा कैसे, डीएस की दो डेफिनेशन देखी आपने, फिर उसके बाद आप इन्हें ये सीखा कि भाई 9 के अंदर कुछ भी जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 9 को 0 की तरह ट्रीट करना पड़ता है, यानी जोड़ते वक्त 9 को 0 मानिए और गुणा करते वक्त 9 जिससे भी गुणा होगा आंसर में केवल 9 ही देगा। आंसर में 9 क्या देगा, डीएस 9 देगा, आंसर 9 यानी नंबर 9 नहीं आएगा, उसका डीएस 9 आएगा। जैसे यहां पर मैंने इसको इससे गुणा किया, आंसर 9 नहीं है, इसके अंकों का योग 9 है। तो ये आपको बताया गया। अब आगे देखते हैं कि डीएस निकाला कैसे जाता है। अब देखिए मैंने आपके सामने ना 4 नंबर लिख दिए हैं ये, और मैं ये चाहता हूँ कि आप इसका डीएस निकालें, ठीक है। एक एक करके सब चीज़ों को समझना है बहुत ध्यान से। एक बार का कॉन्सेप्ट है, मैंने बोला है ना, एक बार का कॉन्सेप्ट है और आपको आगे आराम ही आराम है। केवल आपको ऑप्शन देख के आंसर अगर निकालना चाहते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं देखता हूँ, पहले पे आता हूँ, देखिए एक प्रॉपर्टी हमने अभी जनरेट करी थी कि जोड़ते वक्त 9 को 0 मानिए, यानी मेरे को क्या करना है, कैंसिल्स आउट 9, जो भी 9 बनेगा या 9 के मल्टीपल बनेंगे उन सबको 0 मान लूंगा मैं, क्योंकि 9 के मल्टीपल का भी तो अंकों का योग 9 होगा। आपने देखा 5 4 9, बचा क्या 6, तो इसके अंकों का योग 6 आ गया, यानी ये इसका डीएस हो गया। अगली एग्जांपल पे आता हूं मैं, मैंने देखा 7 और 2 9, 6 4 10 8 18, 18 का मतलब दोबारा से 9, ये भी 0 हो गया, बचा क्या 1। तो केवल यही पार्ट बड़ा नहीं है कि आपको निकालना आ गया, निकालने का भी देखिए तरीका अलग अलग होता है। कई बच्चे ऐसा करते हैं पूरा ही कैलकुलेट करते हैं, 10 18 25 26 28 28, यानी 2 और 8 10, 10 का मतलब 1, और एक तरीका ये हो गया कि कैंसिल आउट 9। यही हम 9 की डिविजिबिलिटी के लिए भी यूज़ करते हैं। कई बच्चे 9 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं, पूरे का अंकों का योग निकालते हैं।
अंकों का योग निकालने की कोई जरूरत नहीं है आपको, केवल ये देखिए कि 9 या 9 का मल्टीपल कोई बन रहा है उसे काटिए, जो बचेगा वो रिमाइंडर हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर एक आ गया, यहाँ मैं देखता हूँ 4 3 7 2 9, बचा क्या 2, तो 2 इसका अंकों का योग हो गया यानी डीएस आ गया इसका। सेम ये चीज मैं यहाँ देखता हूँ, अगर मैं ध्यान से देखूँ इसे तो आप देख सकते हैं 3 6 9 7 और 2 9 8 और 1 9 5 और 4 9 6 और 3 9 7 और 2 9 8 और 1 9 5 4 9 9 8 1 7 2, बचा क्या कुछ भी नहीं बचा, यानी इसके अंकों का योग 9 आ जाएगा। यानी जो इतना बड़ा नंबर था इसको पूरा कैलकुलेट थोड़ी करूंगा मैं, केवल 9 या 9 के मल्टीपल देखेंगे, अगर इसके अंदर बनते हैं वो 0 बन जाएंगे, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। अगर इसी के अंदर 5 और लगा होता तो इसके अंकों का योग 5 आ जाता। यानी अब आपने एक चीज वो सीख ली कि भाई डीएस निकालते वक्त ऐड करते वक्त 9 को 0 की तरह ट्रीट करना है, और इसी तरीके से हमें डीएस निकालना है। तो देखिए आप ये समझ गए कि डीएस आप किस तरीके से निकलेगा, पहले आपने देखा डीएस होता क्या है, फिर आपने देखा डीएस निकलेगा किस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब डीएस में आगे बढ़ेंगे, अगर एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, अब मुद्दे की बात आती है। देखिए मुद्दे की बात आ गई, अब यानी मैं जान गया हूं कि डीएस क्या है, मैं ये जान गया हूं कि डीएस कैसे निकलता है, पर अभी तक मैं ये नहीं जान पाया हूं कि भाई डीएस ये मैं पढ़ रहा हूं इसे इस्तेमाल कहां करूंगा मैं। तो उसे जानने के लिए आगे की चीजें समझनी है आपको। अब देखिए मुद्दे की बात यह है, जो कैलकुलेशन होती है आपकी जो कोई भी बेसिक कैलकुलेशन जो आप करते हैं पेपर के अंदर वो इसमें इन्वॉल्व रहती है ज्यादातर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। तो ये चार चीजें ऐसी हैं जो आप ऑपरेट करते हैं जिसमें टाइम लगता है हमें, क्योंकि इन चार के अलावा हम पांचवी चीज कोई नहीं करते हैं। मैक्सिमम जगह यही कैलकुलेशन होती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवीजन, और इन सभी जगह आप डीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे वो अब हम देखेंगे। देखिए मेन बात पता क्या है, ये जानना बड़ी बात नहीं है कि डीएस क्या है, ऐसे तो आपको बहुत जगह पता लग जाएगा कि डीएस क्या है। मेन बात ये जानना है कि आपको ये पता लगे कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं मेंस के क्वेश्चन में कैसे लगाऊंगा, ये मैं प्री के क्वेश्चन में कैसे लगाऊंगा, ये मैं और टॉपिक्स में कैसे लगाऊंगा, ये मैं मेंसुरेशन में कैसे लगाऊंगा, ये मैं परसेंटेज में कैसे लगाऊंगा, एसआई में कैसे लगाऊंगा। तो अगर आप ये चीज समझ पाते हैं तो ही आपका फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैंने बार बार बोला है इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ आया हो तो वीडियो को बार बार पॉज करके देखिएगा। अब देखिए आते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लूंगा। एक सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है, चाहे आप प्लस करें चाहे माइनस करें चाहे मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट हैंड साइड का डीएस राइट हैंड साइड के डीएस के समान होगा हमेशा, और ये कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है। देखिए यूनिवर्सल कब तक है ये भी बात समझिए आप पहले। आप अगर पेपर देने जाते हैं तो जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा आंसर मिलेगा या तो वो एक्यूरेट होगा या वो अप्रोक्सीमेट होगा। देखिए सीधी सी बात है, अगर मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ या तो एक्यूरेट आंसर आएगा या अप्रोक्सीमेट आएगा, और इस पर भी मैंने वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे,
आप में से कई बच्चों ने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं कि हमें क्वेश्चन देख के कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर अप्रॉक्सीमेट आंसर आ रहा है या एक्यूरेट आंसर आ रहा है। नंबर सिस्टम की पूरी सीरीज मैंने डाल रखी है, उसमें आप आराम से देख सकते हैं। तो देखिए हर चीज़ ना कोरिलेटेड है। जो सिलेक्शन लेने वाला बच्चा होता है उसके पास कॉन्सेप्ट की बहुत अच्छी क्लैरिटी होती है। देखिए मेरे पास कॉन्सेप्ट की बहुत अच्छी क्लैरिटी है, उसके बाद डीएस और एमजी कॉन्सेप्ट वगैरह हैं, तो बहुत आसान रास्ता हो जाता है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, मैथमेटिकल वर्ल्ड समझना है। ये हम मैथमेटिकल वर्ल्ड को समझ रहे हैं। अभी तक मैंने इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन नहीं रखा है देखिए, और जब आप देखेंगे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया क्वेश्चन, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे। अदरवाइज मैं खाली क्वेश्चन करा दूंगा तो आप उसे इतना अच्छा नहीं समझ पाएंगे। अब देखिए जो एक्यूरेट होगा उसमें आप डीएस लगा सकते हैं, जो अप्रॉक्सीमेट होगा उसमें आप डीएस नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कहाँ आप लगा सकते हैं कहाँ नहीं लगा सकते। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कब पता लगेगा एक्यूरेट है या अप्रॉक्सीमेट है। इसकी मैंने वीडियो डाल रखी है, ये भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। उसके अलावा ये वाला पार्ट मैं काट देता हूँ क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन पे आंसर बहुत कम आता है अगर आप एसएससी की बात करें तो। ठीक है, सीजीएल वगैरह में पिछले 5 साल में 5 या 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अप्रॉक्सीमेशन पे होंगे, अदरवाइज एक्यूरेटी क्वेश्चन आता है। अब आप देखते हैं यहाँ पर प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, बिल्कुल सीधा सा एग्जाम्पल लूंगा, 13 प्लस 12 इक्वल्स टू 25। लेफ्ट हैंड साइड के अंकों का योग देखता हूं, 4 3 7, राइट हैंड साइड का देखता हूं, 7। तो सबसे पहला हमने एडिशन के लिए काम किया कि एडिशन में किस तरीके से ऑपरेट होगा। ये कितना भी बड़ा एडिशन हो सभी के अंदर ये फॉलो करेगा, कितनी भी बड़ी संख्या हो संसार की, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, सबके अंदर ये फॉलो करेगा। दूसरी चीज, सब्ट्रैक्शन अगर मैं करता हूं, 37 माइनस 15 इक्वल्स टू 22, ये हो गया 10, ये हो गया 6, 10 में से 6 गया 4, इसके अंकों का योग भी 4। तो दोनों तरफ मैचिंग हो गई, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, और ऐसी कितनी भी बड़ी सब्ट्रैक्शन हो सबके अंदर ये फॉलो करेगा ही करेगा, चाहे डेसिमल हो चाहे पॉइंट में हो, किसी तरीके की कैलकुलेशन हो सभी के अंदर ये फॉलो करता ही करता है। तीसरी चीज अगर मैं देखता हूं, तीसरी चीज अगर आप देखेंगे, पंद्रह इंटू सात इक्वल टू 105 मल्टीप्लीकेशन अगर मैं लगाता हूँ तो देखिए 6 हो गया, 6 7 42, 42 का मतलब 6, और ये भी 6 आ गया। तो यानी आप देख सकते हैं दोनों तरफ 6 इक्वल टू 6 आ गया। तो यानी कितनी भी बड़ी मल्टीप्लीकेशन हो दुनिया की, देखिए दुनिया की बात हो रही है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि इसी टाइप की कैलकुलेशन में लगे गए, दुनिया के कितना भी बड़ा एडिशन हो, कितना भी बड़ी सब्ट्रैक्शन हो, कितनी भी बड़ी गुणनफल हो, सभी के अंदर आप डीएस सेम पाएंगे, ये गारंटी है इस चीज़ की। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, सारी चीज़ें आपको समझनी है, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई आप समझने वाली हैं सारी, कुछ ज़्यादा नोट करने वाला नहीं है इसके अंदर। आगे देखते हैं, देखिए कुछ एक प्रॉपर्टीज हो रहे हैं वो भी बता देता हूँ, क्योंकि आज कॉन्सेप्चुअल पार्ट चल रहा है, यानी जो वीडियो है पूरी कॉन्सेप्ट की है कि डीएस का कॉन्सेप्ट है क्या, तो इसलिए सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हमने देखा कि डीएस क्या चीज है, फिर उसके बाद देखा कि कैलकुलेट कैसे करना है, फिर उसके बाद हमने देखा कि कहाँ कहाँ आप इसे लगा सकते हैं, और कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी देखी। देखिए आप ध्यान रखिएगा, अभी मैंने डिवीज़न नहीं बताया, डिवीज़न मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जो हम आगे वाले सेशन करेंगे उसके अंदर डिवीज़न का बताया जाएगा, डिवीज़न में आपको किस तरीके से ऑपरेट करना है, क्योंकि सब चीज़ें एक साथ बताऊंगा कंफ्यूज हो सकते हैं आप, इसलिए ध्यान रखिए पहले इतना ही समझिए, जब ये आ जाएगा वो काम आसान हो जाएगा। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर प्रॉपर्टी है थोड़ी,
डिजिटल सम जीरो का मतलब नो होता है, ठीक है, चाहे आप जीरो बोलें या नो बोलें, बात एक ही है एडिशन के अंदर. एडिशन सब्ट्रैक्शन में होता है, ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं लेना इसे. अगली प्रॉपर्टी अगर मैं देखता हूं, जो डीएस है आपका वो नेगेटिव भी हो सकता है. जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूं, देखिए एग्जांपल मैंने लिया ये 4372 माइनस 4328. अब अगर मैं ध्यान से देखता हूं इसे, तो ये आ गया 44, ठीक है. इसके अंकों का योग कितना है, 7 और 2 9, ये तो 0 हो गया, बचा 7, ये 9 हो गया, बचा 8, 7 में से 8 गया, बचा माइनस 1, यानी नेगेटिव में आ गया. देखिए पहली बात तो ये है कि जो डीएस है 1 से लेके 9 तक हो सकता है, और 0 होगा, 0 कब हो सकता है, ध्यान से सोचिए, 0 केवल नेगेटिव में हो सकता है, संख्या का जोड़ के 0 थोड़ी आ सकता है, तो नेगेटिव में ही 0 हो सकता है और नेगेटिव में ही माइनस में हो सकता है. तो यहाँ पर जो माइनस में आया है माइनस 1 आपके सामने ही है एग्जाम्पल, इस तरीके का केस भी आपको मिल सकता है. देखिए डीएस कई बच्चे सुन तो लेते हैं पर उन्हें इन डेप्थ नहीं पता सारी चीजें, तो आप ये ध्यान रखिए जो भी चीजें आपको पता है वो इन डेप्थ पता हो, कि एक एक ये पता हो कि भाई यहाँ पर ये चीज इस तरीके से काम करेगी, यहाँ पर इस तरीके से काम करेगी. नेगेटिव भी संभव है, ऐसा नहीं है कि आपने केवल पॉजिटिव में ही काम किया हुआ है. अगर नेगेटिव आता है तो कुछ नहीं करना, इसमें 9 जोड़ देना है, तो ये पॉजिटिव डीएस आ जाएगा. और यही मैं यहां देखता हूं, ये पॉजिटिव डीएस आ गया. तो यानी ये सारी चीज क्या हो गई, ये डीएस का कॉन्सेप्ट आपको पता लग गया. अगली प्रॉपर्टी पे मैं जाता हूं. देखिए परसेंटेज और डेसिमल, डीएस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. परसेंटेज और डेसिमल का डीएस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है. ऐसा क्यों, इस चीज को जान भी लेते हैं ना. देखिए सब चीजें जब आप पढ़ रहे हैं, मैं समझा रहा हूं आपको, तो ये चीजें समझते रहिए कि भाई ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है. आज देखिए ये वाली वीडियो पूरी देखने के बाद लगता है कुछ चीजें रह गई हैं, तो पॉज करके दोबारा से देखिए, क्योंकि अगली वीडियो समझना तभी पॉसिबल है जब आपने ये समझी हुई हो. अब आप देखते हैं परसेंटेज और डेसिमल का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. जैसे कि मैं अगर 0.5 लूं, 0.05 लूं, इन सभी के अंकों का योग 5 ही रहेगा. तो चीजों को केवल लैंग्वेज में मत देखिए, चीजों को समझिए भी. सामने देख रहे हैं ना, 5 ही तो है, सारे ही 5 हैं, ठीक है. तो इसका मतलब डेसिमल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. वही परसेंटेज की बात है, अगर आप 5% बोले, 50% बोले, 500% बोले, सभी के अंकों का योग 5 रहेगा. देखिए मैंने एग्जांपल लिया, आप किसी भी एग्जांपल से चेक कर सकते हैं. और जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने आज आपको बताई है ना, आप अपने मन से कोई भी क्वेश्चन प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन का कोई भी ले लीजिए और आंसर मैच करके देखिए, और बताइए क्या एक भी जगह ऐसी हुई जहां पर आपको लगा कि ऐसा नहीं है. हर जगह आपको लगेगा कि भाई ऐसा ही है. ये बेसिकली क्या है, मैथमेटिकल वर्ल्ड को समझा. मैंने भी, मुझे ऐसा लगता है इन चीज़ों को अगर इन्जॉय करके पढ़ो, चीज़ों को समझो, ऐसा नहीं है. देखिए डीएस आपके कहीं कोर्स में नहीं लिखा हुआ, अगर आप देखेंगे ना एसएससी का सिलेबस उठा के, या किसी बुक को, किसी बुक में भी जिक्र नहीं किया हुआ इसका कि भाई आपको डीएस करना है. तो डीएस क्या है, हमारे खुद की एबिलिटी पे डिपेंड करता है, खुद की मेंटल स्किल पे डिपेंड करता है. मुझे ऐसा लगा कि भाई इस मेथड पे मुझे काम करना चाहिए, मेरे कॉम्पिटिटिव दुनिया में बहुत ज़्यादा काम आएगा मेरे सिलेक्शन के लिए, तो इसलिए मैंने इस पर काम किया. और मैं चाहता हूँ आप में से हर बच्चा इस पर काम करे, क्योंकि देखिए आप में से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, पर जब वो पेपर में जाएंगे ना, उन्हें पता लगेगा स्पीड का एक बहुत अहम रोल होता है. और जब तक आपको स्पीड के लिए कुछ एक दो तीन काम नहीं करे हुए आपने, तो आपको दिक्कत आएगा ही आएगा, चाहे कंटेंट आपका कितना भी अच्छा हो. अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, ना तो परसेंटेज का कोई फर्क पड़ा ना डेसिमल का. ऐसा क्यों, 5/10, 100,
हजार, एक एक, पांच बटे सौ, पचास बटे सौ, पांच सौ बटे सौ। अब मैं एक चीज देखता हूं यहां पर, इन सभी के अंदर जो नीचे आ रहा है उसके अंकों का योग एक है, यहां पर भी और यहां पर भी, और इसीलिए ऐसा हो रहा है कि अंकों के योग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, आप अगर कभी भी लिखते हैं इसके अंकों का योग पांच है या छह है, तो इसका मतलब यही तो है पांच बटा एक, इसका मतलब यही तो है छह बटा एक। तो जब तक नीचे एक आता रहेगा, ऊपर वाले के अंकों का योग समान आता रहेगा। यहां पर आपने देखा नीचे एक आ गया, नीचे एक, नीचे एक, नीचे एक, नीचे एक, ऊपर वालों का समान आ रहा है, ठीक है। यानी ना तो डेसिमल का कोई फर्क पड़ा, ना परसेंटेज का कोई फर्क पड़ा। तो यही चीज आपको ध्यान से समझनी है। तो देखिए, आज के सेशन के अंदर, आज की क्लास में मैंने आपको यह बताया कि डीएस क्या होता है, इसकी सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करी है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है डीएस का जितना आपने आज सीखा है। तो देखिए, इस वीडियो को दोबारा से पॉज करके देखिए, यार कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत रह जाती है तो अगले सेशन के अंदर हम इस पे बेस न्यूमेरिकल देखेंगे, यानी ये देखेंगे ये काम किस किस तरीके से अलग अलग जगह कैसे कैसे करेगा, फिर उसके बाद डिवीजन पे काम करेंगे। तो लगभग तीन चार सेशन इसके आएंगे आपके लिए, जिसके अंदर आप ये सारी चीजें ध्यान से समझ पाएंगे। और कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की। देखिए, मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों को इस चीज का हेल्प मिले डीएस का, तो आपकी भी थोड़ी ड्यूटी बनती है कि इस चीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चीज को जान पाए। तो देखिए, आज के लिए इतना ही करेंगे। अपना ख्याल रखिए, डीएस द मैजिकल कॉन्सेप्ट आज शुरू हुए हैं, खत्म नहीं हुआ। शुरुआत बहुत हल्की है, ध्यान से आपको समझना है कॉन्सेप्ट को, ठीक है। बहुत ध्यान से आप समझिए, आज की क्लास समझ ली, अगली बार ऐसा ना हो कि इसको दोबारा से देखना पड़े। एक बार ध्यान से समझ लिया, अगली क्लास में सीधा न्यूमेरिकल आएंगे, और न्यूमेरिकल आपको देख के ही आंसर मार्क करने हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जय हिंद। हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, डीएस के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि किस किस तरीके से डीएस के अंदर आपको काम करना है। डीएस के अंदर हमने बिल्कुल बेसिक चीज समझी, उसके बाद आपने ये देखा कि डीएस किस तरीके से कैलकुलेट होता है। आज के सेशन के अंदर, यानी देखिए, दोनों चीज़ें आपने देख ली है, कॉन्सेप्ट आपने देख लिया, निकालना कैसे ये भी आपने देख लिया। अब आप ये देखेंगे कि इस पे काम किस किस तरीके से करना है। पहले कुछ एक क्वेश्चन मैं बेसिक क्वेश्चन लूंगा, देखिए पहले बेसिक क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद मैं आपको डिवीजन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये तीनों मैं आपको बता चुका हूं, और मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस में हम आज क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन आप देखेंगे और आप ये देखेंगे किस किस तरीके से डीएस को आपको ऑपरेट कराना है। तो एक चीजों को बारीकी से समझना है बस। देखिए, एक बार कंप्लीट वीडियो आप देख लेंगे कॉन्सेप्ट के साथ तो चीजें बहुत आसान लगेंगी। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन मैं लिखता हूं। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है जो कि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए, सारी चीज आपको बतानी इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं समझेंगे तब तक आप एग्जैक्टली क्वेश्चन में नहीं लगा पाएंगे। तो एक बेसिक क्वेश्चन ही मैंने ले लिया यहाँ पर। अब आप देखते हैं, इसका मैं डीएस निकालता हूँ, आठ और पाँच तेरह, तेरह का मतलब चार हो गया, आठ और पाँच तेरह, तेरह का मतलब चार हो गया, नौ कट गया बचा छः, नो आप ऐड करते वक्त भूल जाते हैं, छः और दो आठ हो गया, चार छः चौबीस, चौबीस का मतलब छः हो गया, और छः अट्ठे अड़तालीस, अड़तालीस का मतलब तीन हो गया। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए, पाँच प्लस आठ, नौ प्लस छः को मैंने केवल छः लिख दिया, नौ तो जीरो हो जाता है, छः प्लस दो आठ हो गया,
13 का मतलब 4 इंटू 6 इंटू 8, 4 छिक 24, 24 का मतलब 6 इंटू 8 करेंगे 48, 48 का मतलब 3। यानी आपको ये पता लग गया कि जो अंकों का योग आएगा वो 3 आएगा। अब मैं चार ऑप्शन देखता हूँ। अंकों का योग निकालने के लिए हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेसिक के अंदर कि भाई आपको केवल 9 कैंसिल करने हैं, 5 और 4 9, 4 2 6 3 9 बचा 6, इसके अंकों का योग 6 आ जाएगा। आगे आप देखते हैं, देखिए अगर ये 6 आ गया, आप देखिए यहाँ से और यहाँ में क्या फ़र्क है, यहाँ से यहाँ में देखिए क्या फ़र्क है, 3 एज इट इज़ है, 4 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, 2, केवल 2 का फ़र्क है, तो इसमें से 2 घट जाएगा, इसमें से 2 घट के ही आ रहा है। यहाँ में और यहाँ में क्या फ़र्क है, केवल 1 का फ़र्क है तो 3 आ जाएगा। यहाँ में और यहाँ में क्या फ़र्क है, केवल 2 जुड़ रहा है तो ये 5 आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। यानी कैलकुलेशन मैंने पूरी नहीं करी, केवल ये देखा कि अंकों का योग क्या आएगा। अंकों का योग आपने यहाँ देखा क्या बन रहा है, ये अंकों का योग आ गया 3। और ये सारी चीज़ें देखिए माइंड में करने वाली है, क्योंकि पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने धीरे धीरे करके स्प्लिट करके बताया आपको कि इसे किस तरीके से ऑपरेट कराना है। देखिए जितना भी मैं करा रहा हूँ उतना आपके कैलकुलेशन के लिए सफिशिएंट रहेगा, चाहे वो प्री का पेपर देने जाएं, आप मेंस का पेपर देने जाएं या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएं, तो सभी के अंदर आप डीएस लगा सकते हैं। सबसे खास बात डीएस की ये है कि इसको आप किसी टॉपिक स्पेसिफिक नहीं है कि आपको इसी टॉपिक में लगाना है। देखिए जैसे मैंने एमजी कॉन्सेप्ट बताया, एमजी कॉन्सेप्ट भी एक ऐसी चीज़ है जो किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, आप पूरी मैथ में कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक इसी तरीके से डीएस भी आप कहीं भी लगा सकते हैं, वही चीज़ आपने ऑप्शन से देखी। देखिए मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ आपको ये जानना है कि चीज़ों को हल्का कैसे करना है। अब जैसे मान लेते हैं आपको डीएस आता है, ठीक है, आपको पता है और आपने सुन रखा है। मैंने आपको क्या बताया, मैंने ये बताया था कि डीएस पे मैंने रिसर्च स्टडी किया हुआ है पूरा, यानी काफ़ी डेप्थ तक पढ़ा हुआ है डीएस को। अब हुआ क्या, बच्चे ने ये 6 कैलकुलेट कर लिया। अब ऐसा थोड़ी है कि बच्चा इसे दोबारा से कैलकुलेट करेगा कि 5 4 9 6 3 9 2 2 फिर 4 लिखेगा। लॉजिकल बात समझिए, यहाँ में और यहाँ में क्या फ़र्क है, केवल इसी का फ़र्क है कि 2 कम हो गया, तो 2 कम मैंने यहाँ कर दिया, यहाँ पर 1 कम हो गया, यहाँ 1 कम मैंने कर दिया, यहाँ 2 बढ़ गया, यहाँ 2 मैंने बढ़ा दिया, तो उसके हिसाब से मैंने देखा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन पे पहला क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने अगला क्वेश्चन है जो अगेन मल्टीप्लिकेशन पे है। देखिए आप सोच रहे होंगे कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन हमें पेपर में मिलेंगे, मैं कहूँगा इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में मिल भी सकते हैं और नहीं भी, पर ये भी हो सकता है कि आप अगर किसी चीज़ का क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे अर्थमेटिक का कर रहे हो या एडवांस का, तो उसमें कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो और वो कैलकुलेशन इस तरीके से बन जाए और सामने आपके चार ऑप्शन लिखे हों, तो आपको इसी चीज़ को ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल डेप तक ले जाऊंगा मैं डीएस के अंदर, आपको बिल्कुल डेप तक आप समझ जाएंगे अच्छी तरीके से कि डीएस को मैं कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। 17 मेंस के क्वेश्चन भी देखेंगे कि 17 मेंस के काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे जो आप डीएस पे सीधा सीधा लगा सकते थे पर पेपर में आप बनाकर आए केवल इसलिए क्योंकि आपने डीएस नहीं पढ़ रखा था। आइए देख लेते हैं। देखिए अगर मैं इसके अंकों का योग देखता हूँ, 9 तो कट जाता है, बचा 5, यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। अब आपको एक चीज़ बताई गई थी कि अगर 9 एक बार आ गया उसके आगे कोई नंबर लिखा हो या पीछे कोई नंबर लिखा हो, अंकों का योग 9 ही रहेगा। तो मैं यहीं से देखता हूँ अंकों का योग 9 रहेगा, तो केवल ये देख के मुझे पता लग जाना चाहिए था कि आंसर के अंकों का योग 9 ही रहेगा। अब मैं चार ऑप्शन देखता हूँ, इसके अंकों का योग 9 है, यहाँ में और यहाँ में क्या फ़र्क है, केवल 1 का, तो 9 + 1 = 10 यानी 1 हो जाएगा। यहाँ से और यहाँ में क्या फ़र्क है, केवल 1 का, ये 2 हो जाएगा।
अब यहाँ से और यहाँ में क्या फ़र्क है, अगर आप देखते हैं 9063, 9063, 65655, तो ये चार ज़्यादा है तो इसमें चार कम कर देंगे, दो में से चार गया माइनस दो यानी सात आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए बिल्कुल बेसिक चीज़ मैंने बताई, क्वेश्चन दिखने में ये बड़े बड़े हैं पर एग्ज़ाम में कभी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आप बैठ रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी बेसिक कैलकुलेशन में इन्वॉल्व होगी। डीएस का जितनी भी सीरीज़ आएगी आपको वो पूरी अच्छी तरीके से देखनी है, इससे आप समझ जाएंगे कि चीज़ों पे काम किस किस तरीके से आपको करना है और एग्ज़ाम में काम किस तरीके से करना है। डेली रूटीन में यूज़ करना है इसे, जब तक कोई भी चीज़ आप डेली नहीं लगाएंगे तब तक वो आप पेपर में नहीं लगा सकते, पेपर में केवल तभी लग सकते हैं जब आप उसे डेली लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है किसी ये किसी एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है। अब मैं चाहता हूं कि आप इसे डायरेक्ट ही करना सीखें। अब 14 का क्यूब आपको निकालना है, 14 का मतलब हो गया 1+4 और इसका क्यूब, 1+4 का मतलब हो गया 5, इसका क्यूब, 5 का क्यूब हो गया 125 और 125 का मतलब हो गया 8। तो यानी जिसके अंकों का योग 8 होगा वही ऑप्शन आप आंसर मार्क कर देंगे। आपने देखा 6, अगर ये 6 है तो ये कितना होगा, ये इससे एक अधिक है 7 हो जाएगा, एक अधिक 8 हो जाएगा, एक अधिक 9 हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जो चीज़ मैंने लिख के बताई है ना आपको, ये लिखनी नहीं पड़ती, ये लिखी केवल इसलिए कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। धीरे 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 करके मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस, डिवीजन, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, मैंसुरेशन, सभी पे हम इसे लगा सकते हैं, पर जब तक ये नहीं पता होगा आगे नहीं लगा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन था ये भी देखिए क्वेश्चन है आपके सामने और ये निकालना है। अब देखिए पेपर के अंदर इतना टाइम नहीं है कि आप इसे इंडिविजुअली सॉल्व करें, इंडिविजुअली सॉल्व हम इसे नहीं कर सकते। देखिए डीएस एक ऐसी चीज है जो 50% कैलकुलेशन आपकी मिनिमाइज करेगी करेगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें डीएस मैच कर भी सकता है कि एक ऑप्शन या दो ऑप्शन आपको ऐसे मिल गए, उसके लिए एमजी कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करते हैं। एमजी कॉन्सेप्ट आपको पता है, यूट्यूब पे मैंने पूरा डाल रखा है, वो आप देख सकते हैं। देखिए या तो डीएस से जाएगा या एमजी कॉन्सेप्ट से जाएगा, फिर बचता है क्वेश्चन करने के लिए। पर होता क्या है, होता उल्टा है, क्योंकि आपने ये चीज़ पढ़ नहीं रखी। बस सिलेक्शन के लिए इसे पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन हो हमारा और पेन फ्री हैबिट डले, तो कुछ ना कुछ तो चीज़ें ऐसी इस्तेमाल करनी पड़ेंगी ना जिससे कैलकुलेशन आपकी मिनिमाइज हो जाए। जैसे कि मैं यही देखता हूँ, 7 3 21 और 1 22, 22 का मतलब 4, 9 हो गया, ये 9 का मतलब तो 0 ही होता है, ना लिखें तो भी काम चल जाएगा, ये 4 आ गया, ये 7 आ गया। अब आपको देखना है ऐसा ऑप्शन जिसके अंकों का योग 7 आ जाए, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, 7 आप देखते हैं, 7 4 11 और 6 17, ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा क्योंकि 1 कम है, 7 6 13 4 17
आठ हो गया, सात छः तेरह, चार सत्रह और एक 18, यानी ये 9 हो गया। तो आप देख सकते हैं केवल बी ऑप्शन ही ऐसा है जो आंसर हो सकता है, यानी 4606 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ना तो आपने इसमें प्लस किया ना आपने किया माइनस, पर आंसर आपके सामने है। और वो केवल तभी हो सकता है जब आप ये सोचें कि भाई डीएस जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है वो आप लगा के देखिए डेली बेसिस पे। आप यकीन मानिए 50 से 70% क्वेश्चन आपको ये लगेगा कि हाँ इसमें हम डीएस का इस्तेमाल किया तो हमें पेन नहीं लगाना पड़ा, इसमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट मैंने लगाया और आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, कॉन्सेप्ट देखा, डीएस नाम की चीज सुनी, फिर ये होता क्या है वो हमने देखा, फिर कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये देखा, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है फिर ये देखा, उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि ये ऑपरेट कैसे होगा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, उस पर बेस थोड़े बेसिक क्वेश्चन देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको बेसिक बता रही है कि डीएस का बेसिक ही है। देखिए अगर आप चाहते हैं कि पेपर का क्वेश्चन बहुत आराम से सेकंडों में हो तो पहले समझना पड़ेगा किसी चीज़ों की चीज़ एक्चुअली है क्या, वही मैं आपको एक एक क्वेश्चन करके समझा रहा हूँ जिससे आपकी सारी कैलकुलेशन में ही लग पाए। अगर आप ये देखते हैं, आपने देखा 8 3 11 यानी 2, 3 2 5 और 1 6, ये 8 बज गया, ये क्वेश्चन मार्क हो गया, ये 1, ये 0, 5 और 4 0 हो गया, 8 और 2 10, 10 माइनस 6 4, 4 प्लस 1 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का मतलब 5 आ गया, यानी जिसके अंकों का योग 5 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 4 8 10 12, 12 का मतलब 3 हो गया, 4 8 10 13, ये 4 हो गया, वैसे भी देख सकते हैं एक ज़्यादा है, बस यहाँ पर आपने देखा इससे एक ज़्यादा है, ये 5 हो गया, ये इससे एक ज़्यादा 6 हो गया, सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। देखिए जो लिखने वाला पार्ट भी है ना ये केवल अभी स्टार्टिंग का है, जैसे जैसे आप समझते रहेंगे ये पूरी चीज़ माइंड में बन जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ देखता हूँ ये 2 आ गया, 2 में से 6 गया प्लस 8, 8 10 माइनस 6, 4 आ गया, 4 में 1 जोड़ा 5 हो गया, 5 किस में आ रहा है सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कई जगह ऐसा भी हो सकता है कि डीएस आपको मैच मिले कि भाई इस ऑप्शन में 2 ऑप्शन में मैच हो रहे हैं, तो उसका भी एक अलग सीरीज आएगा कि इसमें आपको ये काम करना है। अभी फिलहाल हम बेसिक समझ रहे हैं कि चीज़ों में डीएस किस तरीके से लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। देखिए देखिए मैं चाहता हूँ आप केवल क्वेश्चन देखें और आंसर निकालें उससे, सबसे पहले डीएस कैलकुलेट करिए क्वेश्चन से। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन पे, 6 5 11 और 1 12, 12 का मतलब 3 हो गया, 3 2 6 ये 9 हो गया, ये तो कट ही जाएगा, प्लस 4 क्वेश्चन मार्क इंटू 2, तो ये आप देखते हैं 5 और 4 9 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इंटू 2। देखिए आपको बताया था कि 9 अगर किसी के अंकों का योग आ रहा है तो 9 इसमें होना जरूरी है,
इसमें नौ होगा तो दो से गुणा होगा, वापस नौ आ जाएगा, तो नौ आपने देखना है, पाँच चार नौ, पाँच तीन आठ सात पंद्रह, यानी छः, नौ नौ पाँच, पाँच चार नौ, सात दो नौ। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, ये दिया हुआ है आपका 5016 1001 माइनस 333 टू 77 प्लस 22 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इनटू 11। अगर मैं देखता हूँ 6 5 11 और एक 12, 12 का मतलब 3 हो गया, 3 दूनी 6, 6 और 4 10 हो गया, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 10/2। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, देखिए कि ये जो आ रहा है इसे 2 से गुणा करना है और 10 यानी 1 लाना है। अब क्योंकि आपने देखा अंकों का योग ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, अगर आप इससे 2 से गुणा करते हैं, 6 दूनी 12 यानी 3, 5 दूनी 10 यानी 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते आप, डायरेक्ट डिवाइड करके कई बार तो आंसर सही आ जाएगा पर कई बार गलत भी मिल सकता है, ये हम डिवीजन के सेक्शन में करेंगे, पर फिलहाल जब तक आपने डिवीजन नहीं किया तब तक आप ये देख सकते हैं, इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में हम डिवीजन का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो आप उसमें जान जाएंगे इसमें किस तरीके से काम करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन स्पेशली मैंने डेसिमल का लिया है क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है आपको डेसिमल में कैलकुलेशन मिल जाए, पर आप एक बात ध्यान से नोट करें अब कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं या तो प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का इस्तेमाल हमने अभी तक नहीं किया है, तो आप देखते हैं अगर इसमें इसमें प्लस भी आ गया, माइनस भी आ गया, मल्टीप्लिकेशन भी आ गया, इसके अंकों का योग 7, 7 सत्ते 49, 49 का मतलब 4, देखिए 7 ये हो गया, 7 ये हो गया, 7 सत्ते 49, 49 का मतलब केवल 4 हो जाता है, 5 पंजे 25 का मतलब 7 हो गया, माइनस 1 इंटू 7 7 हो गया, तो जिसके अंकों का योग 4 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इधर आप देखते हैं 11 17 21 यानी 3, ये 4, ये 5, ये 9, तो यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। तो ये कोई एक अलग दुनिया है जिसके अंदर पूरी कैलकुलेशन ना करके अंकों पे काम किया जाएगा, केवल एक अंक पे आप काम करते हैं इसलिए बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन आसान लगती है आपको। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये देखा मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस सभी इन्वॉल्व था। अब देखिए मैंने आपको ये बता दिया कि भाई इसे किस किस तरीके से काम करना है। अभी हमने बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं लिए पर जैसे जैसे आगे आप वीडियोस देखते रहेंगे बड़े क्वेश्चन आते रहेंगे कि भाई ये 17 मेंस का, ये 16 मेंस का, 15 मेंस का, ये मेंस वाले क्वेश्चन में कैसे लगाना है। अभी बेसिकली आप ये सीखे ये एग्जैक्टली होता क्या है, आगे देखते हैं। अब देखिए आगे जो देखते हैं अब हम पढ़ते हैं डिवीजन का कॉन्सेप्ट यानी भागफल। यानी अंकों के योग को डिवीजन में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे कि देखिए आप कोई भी सवाल अगर करते हैं, मान लेते हैं आप x अपॉन y सॉल्व कर रहे हैं, मान लेते हैं आप x अपॉन y सॉल्व कर रहे हैं, तो y के अंकों का योग
एक से लेके नौ तक कुछ भी हो सकता है, एक से लेके नौ तक। सबसे पहले तीन चीजों पे क्रॉस मार लें, ये कभी भी तीन छह या नौ नहीं होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में अंकों का योग। और अगर कभी होता है तो पहले तीन से ऊपर नीचे काटें, फिर डीएस लगाएं। यहां पर नौ से काटें, फिर डीएस लगाएं। अगर ऐसा होता है तो, पर बहुत कम क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर ऐसा होगा। इसके पीछे भी एक रीजन है, रीजन मैंने आपको वीडियो में बताया है, अप्रोक्सीमेशन की वीडियो नंबर सिस्टम की डाली गई है यूट्यूब पे, जिसके अंदर आपको ये देखना है कि तीन छः नौ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उस केस के अंदर एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं मिलेगा। और अगर तीन छः नौ नीचे होगा तो वो ऊपर नीचे कट जाएगा, तब जाके आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, और एग्जैक्ट आंसर में ही हम डीएस लगाते हैं। चीज़ें क्लियर होती रहेंगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हमने एक बात पढ़ी कि भाई नीचे अगर अंकों का योग एक आ जाए तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि हमने कल पढ़ा था, फाइव लास्ट क्लास में पढ़ा था, 5%, 50%, 500%, सभी के अंदर क्या था, नीचे 100 आ गया तो अंकों का योग सबका 5 रहा। वो इसलिए क्योंकि नीचे 1 आ गया। तो डिवीजन लगाते वक्त हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर आप नीचे 1 बना देते हैं, देखिए इस वीडियो को बार बार पॉज करके देखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल वाली पूरी वीडियो आपको पॉज पॉज करके देखनी है, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत आराम से समझ आएगा। अगर आप देखते हैं कि नीचे 1 बन जाता है तो ऊपर वाले के अंकों का योग ही आंसर हो जाता है, तो ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर नीचे 1 मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, 1 ना मिलकर अगर 2 मिल गया तो 2 अगर मिल गया तो क्या करना है, 5 से गुणा करना है ऊपर नीचे। इसलिए 2 के साथ 5 बनाया गया है, 5 के साथ 2 बनाया गया है। 5 अगर कहीं मिलता है तो 2 से गुणा करना है ऊपर नीचे, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, नीचे वाला 1 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन वैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा जैसे कि ये था, अगर नीचे वाला 1 हो जाता है तो केवल ऊपर वाला ही कैलकुलेट करना होता है। तो इसलिए अगर नीचे 2 है तो 5 से गुणा करिए, 1 हो जाएगा, ऊपर वाले के अंकों के योग को 5 से गुणा करिए, वही आंसर का अंकों का योग हो जाएगा। 2 के साथ 5 तो 5 के साथ 2, 8 के साथ 8, ये याद रखना है। चौसठ हो गया यानी 1, 7 के साथ 4, 4 को 4 नीचे है तो 7 से गुणा करिए, 7 नीचे है तो 4 से गुणा करिए, तो ये 28 हो गया यानी 10, 10 का मतलब 1, ये 28 हो गया यानी 10, 10 का मतलब 1। तो डिवीजन के अंदर डीएस इस तरीके से काम करेगा, डिवीजन के अंदर आप डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, ये पूरी चीज है जो डिवीजन की है। अगर आपको पहले की चीजें समझ आ गई, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाला पार्ट क्लियर हो जाए, फिर आप क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी टॉपिक का हो। तो डिवीजन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो उसके अंदर समझना बहुत जरूरी है। जिसको समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं समझ आया वो दोबारा से देखिएगा, अभी एग्जाम्पल हम लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगा। इकतीस प्रतिशत 260 का,
ये आ गया, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये निकालना है आपको। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, सारी वीडियोस को बहुत ध्यान से आपको देखना है, केवल एक बार की बात है, उसके बाद आपको पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये पता लगा रहेगा कि 5 बार सिलेक्शन का राज क्या था, ठीक है। ये मैं वाकई में मानता हूँ मेरे सिलेक्शन में इसका बहुत बड़ा रोल रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप में से हर बच्चा इसे सीखे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करे। अगर मैं देखता हूँ इसके अंकों का योग 4 हो गया, 4 × 8 यानी 32, 32 का मतलब यानी 5, इसके अंकों का योग 8 हो गया। तो अगर आप क्वेश्चन मार्क निकालते हैं तो 8/5 आ गया। अभी आपको बताया था कि अगर नीचे 5 होता है तो क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, और 2 से गुणा करने के बाद नीचे वाले को भूल जाते हैं क्योंकि नीचे तो 1 हो जाएगा। 8 × 2 = 16, 16 का मतलब 7, 7 इसके अंकों का योग है, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस चीज़ को जो मैंने इतना लिखा, इसमें इतना नहीं लिखना, 4 × 8 = 32 यानी 5, नीचे 5 जाएगा तो 2 से ऊपर गुणा होगा, 2 अगर इससे 8 से गुणा होगा तो 16 यानी 7, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो इस फ्लो में चलना होता है बेसिकली क्वेश्चन करते वक्त। तो ये सारी चीज़ केवल इसलिए है कि आपको चीज़ें समझ आ सकें। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से आपको समझना है क्वेश्चन। वैसे देख के अगर आप देखिए डीएस आपके पास नहीं है, आप निकाल के देखिए क्वेश्चन, आपको अपने आप पता लग जाएगा मुझे क्यों ज़रूरत है, यानी क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी है कि मेरे को डीएस पढ़ना ही पड़ेगा, और आप वो चीज़ जो डिफरेंस है वो आपको पूरा पढ़ने के बाद समझ आएगा। अभी हमने केवल 30% ही देखा है, 30 या 40% मान लेते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वही देखा है। अभी क्वेश्चन में एप्लीकेबल पार्ट हम धीरे धीरे करके देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ पहले आप बेसिक क्वेश्चन सीखें अच्छी तरीके से, ये जो बेसिक क्वेश्चन है, उसके बाद अपने टॉपिक में उतरें जो आपके सीजीएल में या और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। अगर मैं देखता हूँ 8 और 1 = 9 तो कट गया, बचा 2, 2 को 16 से गुणा करेंगे, 16 यानी 7 हो गया, 2 × 7 = 14 यानी 5 हो गया, 16 यानी 7 ये 2 है, 2 × 7 = 14 यानी 5, माइनस 5 × 3 = 15 यानी 6, ये 2 हो गया, 6 × 2 = 12 यानी 3, ठीक है, 6 × 4 = 10 और 1 = 11, 11 यानी 2, 6 × 2 = 12, 12 का मतलब 3, =2 × ? तो ये भी 2 आ गया, नीचे भी 2 आ गया, =? नीचे अगर 2 है ऊपर भी 2 है, काटना नहीं है, देखिए काटना नहीं है, इसीलिए आपको डिवीजन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है। कई बच्चे गलती यही करते हैं कि भाई यहाँ अगर पता भी है चलो भाई इसे डायरेक्ट काट लेते हैं, कई बार आंसर सही दे देगा, कई बार गलत भी देगा। तो × 5 किया और नीचे वाले को भूल गए, तो आंसर क्या होगा, जिसके अंकों का योग 1 होगा, 5 × 2 = 10 यानी 1, 9 तो कट गया, 6 × 5 = 11 यानी 2, 6 × 5 = 1, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। यानी आपने क्वेश्चन में ये बात देखी कि सॉल्व तो हमें कुछ भी नहीं किया पर आंसर हमारा मार्क हो गया। देखिए बेसिकली जो सिलेक्शन मांग रहा है आपका वो यही मांग रहा है कि आप आंसर जल्दी मार्क कैसे करते हैं। मैंने 5 बार सिलेक्शन लिया, किस तरीके से क्वेश्चन मार्क किया ये केवल मैं ही जानता हूँ और कोई नहीं जानता। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन अगर मार्क ही करना है, फाइनली हमें क्वेश्चन अगर मार्क करना है ऑप्शन, तो आपको मार्क करना है, ये किसी को नहीं पता लगेगा आपने किस तरीके से मार्क किया। तो आपको ये मेथड पे खुद ही काम करना पड़ेगा, ये मेथड किसी कोर्स में नहीं लिखा हुआ या कहीं एसएससी के सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी पढ़ना जरूरी है, मैं ऐसा मानता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन आ गया ये आपका आपके सामने। अगेन मैं कहूँगा देखिए दो ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पर तो चार ऑप्शन है पर आपके पास दो ऑप्शन है, क्वेश्चन बड़ा है तो छोड़ना है। यदि आपको पता लग रहा है कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे इसका आंसर मार्क हो सकता है आसानी से, तो आपको छोड़ना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन कभी आप एग्ज़ाम में नहीं कर सकते। कई बच्चे यही गलती करते हैं कि एग्ज़ाम में इसे बना रहे हैं, बैठ के काट रहे हैं, परसेंटेज वगैरह निकाल लें, तो इस तरीके से सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए बात समझिए ध्यान से, अगर मैं देखता हूँ 5 और 3 8, 8 3 24, ये 7 हो गया, ये भी 7 हो गया, 8 6 14 और 2 16, ये 5 हो गया, 8 3 24 यानी 6 7 7 49 यानी 4, नीचे 5 आ जाएगा, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है तो नीचे 5 है इंटू 2, ये 10 इंटू 2 यानी 220 आपका, यानी 2 आंसर हो जाएगा। जिसके अंकों का योग 2 होगा वही ऑप्शन आपको आंसर मार्क करना है। आपने देखा अंकों का योग 2 किसका है, इसका 7 है, 10 8 18 2 20, इसका 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। यानी जो कैलकुलेशन बहुत बड़ी है सीधा आपको इस तरीके से करनी है। देखिए कई क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें आपको ये लगेगा कि हाँ डीएस से हमने 10 क्वेश्चन बनाए तो 6 में तो हमने सीधा सीधा निकाल लिया, 1 2 ऐसे भी मिल गए कि जिसके अंदर डीएस मैच कर रहा था, और बाकी 1 2 ऐसे हैं जिसमें हमें समझ नहीं आ रहा, तो उन सभी क्वेश्चन पे आएंगे धीरे धीरे करके। अभी शुरुआत हुई है, देखिए काफ़ी टाइम से आप लोगों को इस चीज़ का इंतजार था कि भाई सर ने प्रीवियस वीडियो में डीएस का नाम ले दिया, डीएस क्या चीज़ है, ये सर एकदम लगा रहे हैं और आंसर आ रहा है। तो मैंने बोला था कि दिवाली के बाद हम कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए डीएस लाने की, तो देखिए डीएस आप लोगों के लिए स्पेशली लाया गया, मैं अलग से टाइम निकाल रहा हूँ डीएस के लिए कि आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ आ जाए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अगेन मैं कहूँगा क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये भी, देखिए इस टाइप की भी चीज़ आपको कहीं भी मिल सकती है। आपको बताया गया प्लस मिल सकता है, माइनस मिल सकता है, मल्टीप्लाई मिल सकता है, डिवाइड मिल सकता है, इन चारों के अलावा और कोई पांचवी चीज़ नहीं है जो आपको एग्ज़ाम में कैलकुलेशन की यूज़ करनी है। कई जगह ऐसा होगा कि जैसे स्क्वायर रूट वगैरह कहीं आ जाता है, हम वहाँ पर भी डीएस लगा सकते हैं। तो सब चीज़ें जानने के लिए थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा इंतज़ार करिए, सब चीज़ों पर आएंगे धीरे धीरे करके। अब जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, अगर आपके दिमाग में डीएस नहीं है फिर आप सोचिए कि डीएस कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं पता, और फिर आपके पास डीएस है फिर आप सोचिए, आंसर आपको खुद मिल जाएगा। इसके अंकों का योग देखता हूँ मैं 3, इसके अंकों का योग देखता हूँ 1, यानी जो आंसर होगा उसके अंकों का योग 3 होगा। आप देखते हैं इसके अंकों का योग 1 है, 2 है, 3 4 5, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप में से लगभग हर बच्चा इस्तेमाल कर सकता है, डिपेंड करेगा उसने घर पे कितना प्रैक्टिस किया है। तो देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन आज हमने आज की क्लास में देख लिए हैं इस टाइप के कि आपको मल्टीप्लिकेशन भी समझ आ गया, प्लस भी समझ आ गया, माइनस भी समझ आ गया, डिवीजन भी समझ आ गया। कुछ एक और क्वेश्चन हम अगली क्लास में या अगले सेशन में लेकर आएंगे, साथ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ डीएस का जो कॉन्सेप्ट है लगातार चलेगा, ठीक है। लगातार आप देखेंगे कि 15 मेंस, 16 मेंस, 17 मेंस, ऐसे जो मेंस में आए हुए क्वेश्चन हैं जो अगर आपको डीएस नहीं पता, जैसे कि आप यहाँ पर ही देख सकते हैं कि डीएस अगर आपको नहीं पता तो क्वेश्चन में लग जाएगा टाइम और वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर डीएस आपको पता है तो कहीं ना कहीं तो ये आपको फ़ायदा देकर ही जाएगा। ये मेरी गारंटी है कि इसका फ़ायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको ये ज़रूर लगेगा कि जहाँ भी आप डीएस लगाएंगे आपको मेरी याद ज़रूर आएगी। आपको लगेगा कि भाई सर ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, ये कॉन्सेप्ट हमने एक बार वीडियो में देखा है पर फिर भी हम काफ़ी बार लगा पा रहे हैं इसे। तो देखिए आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट सेशन में
थोड़े बड़े क्वेश्चन भी लेंगे, थोड़े उल्टे टाइप के क्वेश्चन भी लेंगे, यानी एसआई सीआई वगैरह का क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा आपको कि आपको उसमें किस तरीके से लगाना है। प्रॉफिट लॉस का देख लेंगे, बेसिक एलजेब्रा का देख लेंगे, यानी अभी तक हम ये जान गए हैं कि डीएस होता क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, कहाँ कहाँ ऑपरेट होता है, क्वेश्चन किस किस तरीके से बन सकते हैं इसके अंदर। अब हम ये देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि हमारे मुद्दे की चीज़ कैसे है, यानी कैसे हम इसे अपने एग्जाम में लगाएं। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए मैंने भी अपना सीक्रेट आप लोगों के लिए खोला है डीएस का, तो आप भी थोड़ा कोशिश करिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की। आज के लिए इतना ही करेंगे, जय हिंद।